उस हुसैन इब्ने अली का आलम क्या होगा। एक तो ये थकन, बदन चूर चूर है इस थकन से, और फिर लश्कर अशकिया के सामने जिस पामर्दी से लड़े, और फिर आपके बदन को तीरों से, तलवारों से और नेजों से जख्मी किया गया। बहुत सारे नेजे बदन में टूट गए थे, जिसम में तीर पेवस्त थे। इस हालत में घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आते हैं। हुसैन इब्ने अली की इस्तेकामत देखिए, रब से रब्त और ताल्लुक का माजरा देखिए। वक्त नमाज का हुआ तो हुसैन ने सजदा कजा नहीं होने दिया। हुसैन इब्ने अली हमें बताते हैं कि अल्लाह के साथ हमारा रब किसी सूरत के अंदर भी कमजोर नहीं होना चाहिए। करबला से हमें यह सीखना चाहिए।